वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं हमारी डोमिनार 400 जो है चला रहा हूँ, क्योंकि मैं गाइस पुणे गया हुआ था। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि मैं पुणे में था। पुणे में गाइस मैं कुछ अपने रिलेटिव से मिलने गया था। सो आते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है झम्पा 66, मेरे दोस्त की नई गाड़ी। सो गाइस, 3 से 4 महीने में और झम्पा कंटिन्यूस उसके लिए एक नई गाड़ी ढूंढ रहे थे कि हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, और आप सब लोगों ने भी इतना प्यार दिखाया, इतना आप लोगों ने डीएम किया और बताया कि हमारे पास ये कार है, वो कार है, हमारे पास ये कॉन्टैक्ट है कार के लिए, वो कॉन्टैक्ट। सो गाइस, थैंक यू फॉर ऑल दिस। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और आप लोगों की वजह से हमें आज एक इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं और झम्पा गाड़ी ढूंढ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो काफ़ी सारा शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम लोगों ने एक गाड़ी चूज़ की और हम लोगों ने सोचा इसको जाके एक बार चला के देखना चाहिए, और सरप्राइजिंगली वो हमारे सब्सक्राइबर ही थे, तो उसकी वजह से उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। उन्होंने हमें पहले से ही कॉन्टैक्ट किया था और सारी बातें हो चुकी थी। सो प्राइजिंग वगैरह वो तो मैं आपको अभी आगे बता। सो हम लोग ने ऐसे सोच के रखा था कि ऐसी कुछ गाड़ी हमें मिल जाए जिसमें कम से कम खर्चा हो। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें ये गाड़ी मिली, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। और अभी हम जा रहे हैं मेरे दोस्त झम्पा के घर पे, वो कब से मेरा वेट कर रहे हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:15 और हम लोग काफ़ी टाइम से, झम्पा काफ़ी टाइम से मेरे लिए रुका है कि कब आऊँगा कब आऊँगा। मुझे भी ज़रा बाहर जाना था तो सारे काम निपटा के। क्या लिंक रोड वहाँ से ईस्ट वेस्ट का ब्रिज उतरने के बाद भी सीधे जाना? हाँ हाँ, मैं लिंक रोड से ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, ये मेरा YouTube चैनल है ना, तो मैं वीडियोस डालता हूँ। हाँ, बाइक रिव्यूज़ का एंड ऑल, बाइक एंड कार रिव्यूज़ का, रिव्यूज़ मतलब कोई नई बाइक आती है तो उसके ऊपर रिव्यू दे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं झम्पा के एरिया में। ज़्यादा ही गर्मी है आज तो। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेरे दोस्त झम्पा के एरिया में, तो अभी सीधा मिलते हैं उसके घर जाके। मराठी नंबर प्लेट है, तुम महाराष्ट्र में रहते हो, तुम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये नंबर प्लेट एक्चुअली पुराना हो चुका है, और जैन के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली शिवसेना का नंबर प्लेट था, और जो बंदा था ऑसम ब्रो, इसमें ये जेल नंबर प्लेट है प्लस हनीकॉम स्ट्रक्चर है इसका, विथ सम कस्टमाइजेशन। मेरा नाम है फिर म्यूजन है, म्यूजन मतलब वो अंडा ऐसा है। फिर नंबर प्लेट नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा सही है, और ये नंबर प्लेट जरूरी है। ये भी नंबर प्लेट मेरा एक्चुअली फेवरेट है, बट अभी ये चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ, और एकदम नाइसली पैक किया हुआ है इन लोग, नाइसली पैक किया हुआ है इन लोग में, ज़रा सा भी स्क्रैचेस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया नंबर प्लेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है MH04CT फाइनेंस फाइनेंस, और यहाँ पे म्यूजन लिखा हुआ है जो होंडा के OEM पार्ट्स बेचते हैं जापान में। तो दोस्तों, ये स्टेयरिंग व्हील देख के कुछ याद आ रहा है, हमारी जेन का था ये। हाँ झम्पा, कुछ देख के याद आ रहा है स्टेयरिंग व्हील? तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं मेरे दोस्त झम्पा की गाड़ी, जो है सिविक 2006 मॉडल। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, चला ये रहा है अभी अभी फिलहाल, मेरे को चलाने का मन है नहीं। एकदम ऑसम फीलिंग है। एक बार अगर पेट्रोल की गाड़ी एक तो अच्छा होगा, हम लोग ने कोई CNG या फिर कुछ और डीजल वगैरह गाड़ी परचेस नहीं की। हाँ वो तो पहली बात है कि परचेस नहीं, पेट्रोल कार ली, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में है हम। एकदम साइलेंट है, बाहर का कुछ आवाज़ अंदर आता नहीं, अंदर का भी कुछ इंजन विंजन का कुछ भी आवाज़ अंदर आता नहीं, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है। डैम्पिंग थोड़ा मटेरियल लगा देंगे तो फिर तो पता भी नहीं चलेगा इंजन ऑन है या नहीं। हाँ वही, कई कई बार हमको भी पता नहीं चलता है कि इंजन ऑन है इसका या नहीं है। जस्ट अभी हम लोग जेन के मॉडिफिकेशन कर रहे थे, जस्ट उसका थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने किया, जेन के मॉडिफिकेशन जितने बाकी थे तो
एक वीडियो में मैंने बता दिया कि कितना क्या है, थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन्स भी मैंने दिखा दिया, जैसे कि आप लोग को पता ही है हम लोग ने परचेस की सिर्फ 50,000 रुपीस में और उसके ऊपर 10,000 रुपीस का खर्चा हुआ आगे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई 50,000 क्या एड़ा बना रहे हो। हाँ। ऐसा ऐसा मैं बोला मैं एड़ा नहीं बना रहा, सही जो प्राइस मैंने सच बताया था। और तो कोई कोई दोस्त लोग मेरे ऐसे भी बोल रहे थे कि भाई 50,000 मत बता, थोड़ा ज्यादा बता। मैं बोला नहीं, मेरे को सब्सक्राइबर्स के साथ जेन्युइन रहना है, जो है वो सच बोलना है। बताया कि हम लोग गाड़ी सिर्फ देखने जा रहे थे, पर जो डील हमको मिल रहा था, जो गाड़ी की कंडीशन हमको मिली थी, वो कंडीशन में 50,000 वॉज नॉट बैड। और अगर वो डील हम लोग के हाथ के अगर वो डील हम लोग के हाथ से छूट जाती तो फिर ज्यादा बुरा लगता। इसलिए वही टाइम पे हम लोग ने सीधा वो गाड़ी परचेस कर ली। बट थोड़ा नेगोशिएट किया मैंने वो टाइम पे कि मतलब सही में डील है, मतलब इंडियन एज ए इंडियन थोड़ा नेगोशिएट किया मैंने, बट चल जाता यार, हो गया था काम। मैं बोला 50,000 अभी देना ही है तो दे देता हूँ। और गाड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी मिली, उसका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइबर भी थे थोड़ा, हम लोग को मतलब अच्छा खासा, और सब्सक्राइबर भी थे तो अच्छा खासा, और सब्सक्राइबर भी थे थोड़ा अच्छा खासा बातचीत भी हो गई। और उसके बाद एज अ ऑनेस्ट उन्होंने कहा सब्सक्राइबर भी यार आपसे तो ज्यादा ऑनेस्ट है वो, उन लोगों ने उन्होंने सामने से बता दिया था कार में क्या क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या क्या कराना है। ये बात तो ऐसा कोई करता नहीं है गाइस, अगर किसी को अपनी गाड़ी बेचनी है तो वो तो ऐसा बताएगा नहीं। मतलब ये बात हुई कि अपना दही कोई खट्टा बोलेगा नहीं किसी को, है ना गाइस। ये कार के बारे में हम लोग को बिल्डिंग वाले इतने ज्यादा ऑफर दे रहे हैं, मतलब 50,000 की कार है, बोल रहे 80 हम लोग देते हैं तुमको, अभी क्या बहुत सारे कमेंट्स में भी सब लोग ऑफर ही दे रहे कि भाई 50,000 लो, भाई 70,000 लो। मैं बोला अरे यार, इतने दिनों से इसको और मेरे को इतने ज्यादा कॉल्स आए कार के रिगार्डिंग की ये कार हमको बेच दो, हम आपको इतने देते हैं, इतने अभी के अभी कैश देते हैं। पर एक बात बताना चाहता हूँ, एकदम दिल से कार लिए हम लोग ने पर्सनल यूज के लिए, तो बेचेंगे तो नहीं। पर थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने ये वीडियो पे, और बहुत सारे लोगों को सिविक पसंद भी आया यार, बोल रहे थे कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी ली मॉडिफिकेशन के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा। एक और जो हम लोग जब सिविक के बारे में सोचा था ना हम लोग ने, तो काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था, उसमें से कुछ लोगों ने ऑफर भी दिया था हम लोग को कि 1,80,000-90,000 में सिविक मिल रही थी। तभी हम लोग ने सोचा भी था, पर मैंने भी कहा कि इसको थोड़ा रुक जाते हैं, मिलेगा कुछ अच्छी डील मिलेगी हम लोग को, ज्यादा घाई नहीं करनी है इस बात। ये चीज में गाड़ी देखे भी थे हम लोग ने, देखे भी आए थे, पर फिर बाद में उतना अच्छा नहीं लगा तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। मतलब गाइस आप सोच रहे हो ना 1,80,000 कहाँ पे, और 1,00,000 उससे अच्छा हम लोग 50,000 की गाड़ी खरीदे और 1,80,000 उसमें खर्चा करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादा एक अच्छी डील मिल जाएगी। थोड़ा पेट्रोल भरा नहीं गया, एक काम करते हो पानीपुरी वाले के जाते। सो गाइस दैट्स इट, आज का एक छोटा सा वीडियो था, एक कार का छोटा सा जो रिव्यू दिया, अभी तो वीडियोस में कार दिखती रहेगी और एक रिव्यू शायद आपको इसके चैनल पे दिख जाएगा। यस, जल्दी दिखेगा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चलो था कैमरा मैं भी दिख रहा था।